हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम, मेरा नाम है वजह। तो यार, सनातन धर्म अपनाने वालों को, जो मतलब सनातन धर्म जिन्होंने अपनाया हुआ है, उनको मरने के टाइम क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उनको संकेत मिलता है कि उनकी डेथ होने वाली है। वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, यहाँ तक कि चाहे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत हो या फिर मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति का विषय हो। दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु का समय जैसे जैसे नजदीक आता है, वैसे वैसे उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होने लगती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। यह संकेत इतने प्रभावी होते हैं कि यदि इनके ऊपर ध्यान दिया गया तो आप मृत्यु के समय के बारे में कई माह पहले ही पता लगा सकते हैं। आज की वीडियो में हम मृत्यु से पहले मिलने वाले इन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे और गरुण पुराण में इस बारे में क्या लिखा है वो भी देखेंगे। दोस्तों, मृत्यु निकट होने के संकेत व्यक्ति को आखिर क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसे हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, इन सारे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में जीवन मृत्यु दोनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हीं पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अनुसार सामान्य स्थिति में मृत्यु की आहट को 1 साल पहले ही सुना जा सकता है। मार्कंडेय पुराण में मृत्यु का वर्णन विस्तार से किया गया है और बताया गया है कि यदि आप गौर करें तो आपको किसी की मृत्यु से पहले ही उसका आभास हो जाएगा। दोस्तों, शिव पुराण में भी लिखा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु बहुत समीप होती है उसे जल, तेल और घी में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को सूर्य कम प्रकाशमय और चंद्रमा काला दिखाई दे या फिर बार बार चारों दिशाएं घूमती हुई नजर आए तो ये भी मृत्यु के निकट होने का संकेत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं उस समय सबसे पहले मनुष्य की वाणी प्रभावित होती है। वह व्यक्ति बोल नहीं पाता और जो लोग बोल पाते हैं उनकी आवाज साफ नहीं होती बल्कि उसमें घर घराहट होती है। आवाज के बाद व्यक्ति की दृष्टि बाधित हो जाती है और वह पास बैठे लोगों को भी पहचान नहीं पाता। उसमें हिलने डुलने की क्षमता भी बाकी नहीं रह जाती। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी मृत्यु करीब होने का एक लक्षण आँख का कमजोर होना है। कोई भी व्यक्ति जिसे दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई दिखना बंद हो जाए और जो रात में इंद्रधनुष और दिन में तारे देखने लगे उसे ये समझना चाहिए कि शीघ्र उसके मृत्यु का समय निकट आ गया है। दूसरा लक्षण है पर्याप्त खाने के बाद भी भूख का लगे रहना। पर्याप्त भोजन कर लेने के पश्चात भी जिनकी भूख तृप्त नहीं होती और जो दांतों को आपस में रगड़ना शुरू कर देते हैं या फिर जिनके मन में दिन रात मृत्यु का भय अचानक से उत्पन्न होने लगे, ऐसा व्यक्ति जिसे बिना कारण ही डर लगने लगे या उसे अपने आसपास किसी के होने का आभास होने लगे। दोस्तों, विद्वानों का मत है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अधिक शेष नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, तीसरा लक्षण है शरीर से आने वाली अजीब सी गंध। मृत्यु से कुछ दिन पहले शरीर से अलग प्रकार की गंध आने लगती है। जिस भी व्यक्ति के शरीर से बकरे या मुर्दे के जैसी गंध आने लगे और जिसे दीपक के जलने की गंध आनी बंद हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की आयु 15 दिन से अधिक शेष नहीं रहती, ऐसा मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। दोस्तों, मृत्यु का चौथा संकेत है मरने वाले व्यक्ति की नाक और कान के आकार में विकृति आ जाना। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगे कि उसकी नाक टेढ़ी या कान ऊंचे नीचे होने लगे और बाएं नेत्र से सदैव ही पानी गिरता रहे, ऐसे व्यक्ति का मुंह लाल हो जाता है और जीभ काली पड़ने लगती है, ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत ही कम समझना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु में सिर्फ एक पहर का समय शेष रह जाता है उस मनुष्य को यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। साथ ही उसको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसके आसपास है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिनों पहले व्यक्ति को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होते हैं। अच्छा, सपनों के ये संकेत उसके पूर्वजों के द्वारा मिलते हैं। मतलब ये कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं। अच्छा, अगर सपने में पूर्वज रोते हुए या दुखी दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति बस कुछ ही दिन का मेहमान है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सपने में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाता अच्छा, दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय बहुत निकट आ गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, यह भी एक संकेत होता है। रामायण में इस तरह के सपने का जिक्र मिलता है जो रावण को मृत्यु से पहले आने लगे थे, जो कि इस बात को सिद्ध करता है। समुद्र शास्त्र में यहाँ तक बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति के हाथ की रेखाएं बहुत ही हल्की दिखने लगती हैं। यह इतनी हल्की हो जाती हैं कि इन्हें सही से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे छठे संकेत के बारे में। जो व्यक्ति सपने में मलमूत्र में सोने और चांदी का दर्शन करने लगे, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति की आयु सिर्फ 10 महीने से अधिक शेष नहीं है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति सपने में प्रेत, पिशाच और सोने के वृक्ष भी देखने लगता है। अच्छा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, उल्लू या कोई अन्य मांसाहारी पक्षी बैठ जाए, तो वह व्यक्ति 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहता। ऐसा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। इस पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद के कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के स्नान करने पर छाती और पैर तुरंत सूख जाएं और पानी पीने पर भी गला सूखा रह जाए, तो यह मृत्यु के करीब होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को जब लगने लगे कि हवा उसके अंगों को भेद कर उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, इस तरह की स्थिति में आयु केवल 10 दिन ही शेष मानना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति को रहस्यमय द्वार दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं, तो कुछ को प्रकाश दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे तो समझ लीजिए उसकी मृत्यु निकट है। दोस्तों, यदि सपने में लाल या काले कपड़े पहने कोई स्त्री हंसते गाते हुए किसी व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, तो वह व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सपने में केश, अंगारे, आसमान और बिना पानी की नदी देखने पर व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक समझना चाहिए। अच्छा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मृत्यु से पहले यह संकेत क्यों मिलते हैं। इसका उत्तर गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु करीब आती है, तो उससे पहले ही उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जिससे यदि व्यक्ति की कोई अंतिम इच्छा हो या कोई अधूरा कार्य हो तो वो उसे पूरा कर सके या अपने परिजनों को बता सके। ये चीजें हैं, यानी कि ये देखो, ये चीजें बंदे को हिला देती हैं। मतलब सनातन धर्म में मतलब आपको हर चीज खुल के बताई गई है, हर एक एक चीज जिसको बोलते हैं ना, जब से हम बात कर रहे हैं। अब तू खुद सोच के क्या क्या बताया गया है। मतलब सपने में सोने का देखो, और लाल वो कपड़े पहन के तभी भाई सब तुम्हारी वो मौत निकट होती है, और वो लाल कपड़े दक्षिण की तरफ चले जाओ, और गधे और दूसरा एक और पे बोला गया था उस पे बैठा और बैठ गए दक्षिण की तरफ, अगर वो तुम जा रहे हो तो समझे तुम्हारी मौत करीब है। ये कितने संकेत हैं। और भी यार, और भाई साहब, अगर मतलब अगर तुम वो आसपास की चीजें घूम रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई साहब शायद मेरे आसपास कोई है, तो ये भी संकेत। और खाना खा के उसके बाद भी अगर आपको भूख लग रही हो और साथ दान यूं हो, मतलब हो रहे हो, तो भाई तब ये संकेत है। अदरवाइज खाने के बाद अगर भूख लगे तो नहीं है। मैं भाई समझो डर गया, मैंने कहा मेरे तो साथ ये, क्योंकि छोटे होते भी हमें भी बहुत भूख लगती थी। खैर अभी भी लगती है, लेकिन जिस तरह होता है, लेकिन उसके लेकिन, साथ ये चीज कपाए। ये देखो, ये चीजें वाजह तरीके से बताई। और हाँ ना, अगर सपने में भाई साहब आपके सर के ऊपर कोई पक्षी, कोई उल्लू, इस तरह की कोई चीज बैठ भी जाए, तो वो भी संकेत है तुम्हारी डेथ। और भी काफी संकेत हैं यार। इस वीडियो को बंदा 3 से 4 बार देखेगा तो
ये चीजें याद हो जाएंगी बंदे को वजात। फिर बंदा जो ना जरा जहरी बात है, बंदे ने मरना तो है लेकिन मरने से पहले ये बंदे को संकेत हो जाते हैं। और दरुड पुराण में यही लिखा हुआ है कि ये चीजें तुम्हें तब दी जाती हैं, तुम्हें संकेत तब दिए जाते हैं कि भाई तुम्हारी अगर कोई अंतिम इच्छा है तो वो तुम पूरी कर सको। हाँ, और ये बंदे को मेरे ख्याल से, लेकिन उसको ये नहीं पता होता, लेकिन अगर ये चीजें देख लेना तो फिर बंदे को पता चल जाता है कि ये मुझे क्यों मिल रही है। सही। अब जिस तरह हर बंदे को मिल रही होंगी, उसको ये तो नहीं पता होगा ना कि यार मैं इतने टाइम में मेरी मृत्यु हो जाएगी या इतने टाइम में, लेकिन यहाँ पे देख वाजे अल्फाजों में बताया गया। भाई तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बड़ा आत्म करते हैं तो बाय।